वेदर भी अच्छा, क्या पता खराब हो जाए, धूप आ जाए। तो गाइस राइडर्स रुके पड़े थे ब्रेक के लिए, बट यहाँ पे भाई मना कर देगी। गाइस अभी सिर्फ 30 किलोमीटर चला तो भाई रुकने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अपनी गाड़ी भाई 60-70 किलोमीटर तो भाई नॉन स्टॉप चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती। हमने डिसाइड किया कि भाई कोई रुकेगा नहीं, अभी थोड़ा और चलो 20-30 किलोमीटर, जैसे रुकना होगा हम बता देंगे भाई कब रुकना है। अभी तो ये देखो 37 किलोमीटर चला सिर्फ, तो 10-20 किलोमीटर और खींचेंगे अब मोहित भाई आगे रुक जाएंगे जहाँ पर रुकना होगा, फिर अपन वहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेंगे। अभी रुक जाएंगे ना तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो डिसाइड यही हुआ कि भाई अभी कोई ब्रेक नहीं लेगा, चलते सीधा मंजिल की ओर। रेडी भाई लोग? चलो भैया, भाई अच्छी बाइक लग रही, सारे रुके पड़े थे। अभी जहाँ से पेट्रोल में 37 किलोमीटर हुआ है, तो चलो भाई यहाँ से निकलते हैं भाई फाइनली। अभी तो 15-20 किलोमीटर और खींच लेंगे, फिर आराम से रोकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी हमने रोका ना, बंदे रिलैक्स मारने अगर बैठेंगे भाई आधा एक घंटा ले जाएंगे, फिर लेट लेट जल्दी ले जाएंगे, दिक्कत हो जाएगा। और वेदर भी अभी अच्छा था, क्यों ना भाई अच्छे वेदर में गाड़ी थोड़ा और खींच ले जाए। पेट्रोल पंप की बात करें तो भाई यहाँ पे पेट्रोल पंप भी काफ़ी जल्दी जल्दी आ रहा है, लाइक 2-3 किलोमीटर में आपको कई सारे पेट्रोल पंप देखने को मिल जाए। सोच रहे भाई यहाँ पे पेट्रोल पंप कितनी देर में आता, तो गाइस जल्दी जल्दी आते हैं। रोड पर गाइस बहुत सारे पेट्रोल पंप है, बट यहाँ पे गाइस खेत चेक करो भाई, सही खेत लग रहे भाई। इस साइड भी खेत है, दोनों साइड मेरे खेत है, बट सामने से क्या आ रहा भाई, रॉन्ग साइड बंदे, ये गलत बात है। आराम से ब्रो देख दा के क्रॉस करना। ऐसे हमने राइड स्टार्ट की थी भाई अपना टोल प्लाजा जो कि बदरपुर वाला है, वहाँ से गाइस ये चेक करो भाई 50 किलोमीटर हमने गाड़ी खींच दिया सिंगल स्ट्रेच में। बीच में रुके एक दो दो मिनट के लिए, बट हमने डिसाइड नहीं किया रुकने के लिए, आगे जाके अभी 5-10 किलोमीटर तो भाई और चलाएंगे, आगे जाके रुकेंगे वहाँ पे, गाड़ी को आराम से रिलैक्स देंगे, क्योंकि हीटिंग का चेक करो अभी सिर्फ 3 इंडिकेटर आया, अगर ये 4-5 जाता है तो फिर रोकेंगे, वरना तो भाई ठंडी हवा चल रही, सुबह सुबह हीट जल्दी नहीं होगा। और मुझे पता है इस बेताल की कैपेसिटी कितनी है एंटॉक की, भाई 60-70 किलोमीटर तो आराम से सिंगल टाइम में चले जाता है बिना रोके। अभी तो हम 50 ही आए हैं, खींचते थोड़ा और खींचते फिर जाके ब्रेक लेंगे आधे घंटे का, तब तक सारी गाड़ी ठंडी हो जाएगी जितने भी अपने ग्रुप के। और चाय वाय पीना तो चाय वाय भी पी लेंगे, बट मॉर्निंग में लिख लेना गाइस, इस बात का फ़ायदा है कि सारे बंदे फ्रेश फील कर रहे हैं। और ये चेक करो भाई, सूर्य देवता गाइस निकलने वाले, बट अभी निकले नहीं है, निकलने वाले हैं और हमने आधा रास्ता कवर कर लिया भाई। वाले ट्रक में चक्कर हो गए, कितने सारे बैम्बू जा रहे भाई, वो भी सॉलिड सॉलिड भाई, नोकीले है। तो ऐसे ट्रक के पीछे भाई चलना रिकमेंड नहीं करूँगा, बाइक वालों को भी और कार वाले को भाई, कब नहीं पता गाइस कौन सा बैम्बू निकल के भाई गुज्जा सीधा भाई गाड़ी में, बहुत डेंजरस है। ये हो या फिर सरिया हो, इन सब के पीछे गाइस बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। आप देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा सॉलिड है, अगर ढलान पर स्लिप करता कार वाले की सीधा अंदर टूट के चले जाएगा शीशा उसा सब कुछ। तो भाई ये लाइफ से खेलने वाला चीज़ है, तो इनको जाने दो, आराम से चलेंगे, पीछे मत चलना बस। कोई भी गाड़ी हो, बड़ी से बड़ी गाड़ी हो भाई, जब ये खुलेगी ना गिरेगी सब कुछ तोड़ देगा, तो पीछे मत चलना, इसके आगे निकल जाओ, साइड में मत चलो, या तो बहुत पीछे और ना बहुत आगे, भाई साइड में मत चलना, वही हम कर रहे हैं, आगे निकलो आ जाओ। तो हाईवे में यही वाली चीज़ है, जो जो अच्छी चीज़ें मिल रही है, जो इन्फॉर्मेशन गाइस मुझे लगा देना चाहिए आप लोगों को, सबको दूंगा, ताकि आप लोग देखो एंड सीखो कि भाई ये चीज़ें भी होती है जानने के लिए, जो कि अपने को नहीं करना चाहिए मिस्टेक। नॉलेज ही तो है गाइस, नॉलेज बांट रहे भाई यहाँ पे। और कितना बड़ा ट्रक घूम रहा हो, माय गॉड भाई साहब। और एक और पेट्रोल पंप मेरा यहाँ पे, एक और पेट्रोल पंप है, मतलब 100-200 मीटर में भाई 2-3 दिन पेट्रोल पंप है। तो थम्स अप गाइस, पेट्रोल पंप भाई बहुत सारे, पेट्रोल का टेंशन तो है नहीं मथुरा रोड पे, आपको बेफिक्र आओ गाइस। रोड भी अभी तक तो भाई काफ़ी अच्छा मिला, 50 किलोमीटर खींच लिया, और आगे के रोड भी बेफिक्र अच्छे होंगे। फाइनली पहला धूप निकल चुका है गाइस, सामने चेक करो भाई, धूप ही धूप आ चुका है। बट ये जो धूप है ना गाइस, मॉर्निंग का धूप है, तो बड़ा सूदिंग है, ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल भाई लगेगा कि बहुत ज़्यादा हीट फेंक रहा है, क्योंकि हीट तो फेंकता है भाई आपका 3-4 बजे के बीच में टॉप पे होता है भाई, जो गर्मी होती है ना टेम्परेचर टॉप पे होता है 3-4 बजे। अभी तो काफ़ी सूदिंग है, चक्कर भाई सूर्य देवता आ चुके हैं यहाँ पे, दूर दूर तक भाई खेती खेत है भाई, दूर दूर तक पूरे एरिया में भाई 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 ये क्या जा रहा है मेरे सामने भाई, ओह माय गॉड गाइस, इतने सारे ट्रक जा रहे हैं भाई, एक ट्रक के ऊपर ट्रैक्टर भाई, 10-12 ट्रक है भाई इसके ऊपर, एक ट्रक के ऊपर गाइस इतने सारे ट्रैक्टर लद के जा रहे हैं, कसम से भाई काफ़ी सही लग रहा था भाई देखने में, कुछ यूनिक दिख रहा अपने को यहाँ पे भाई। हाईवे पे ऐसा ही होता है, कुछ कुछ आपको अलग अलग चीज़ें दिखती रहती है। हमने अभी तक भाई कंप्लीट कर लिया 63 किलोमीटर, तो भाई 60 किलोमीटर कंप्लीट हो गया, आधा रास्ता और बचा हुआ है, आगे कोई अच्छा सा स्टे देखने को मिलेगा भाई वहाँ पे रुकेंगे, चाय वाय पियेंगे, फिर देन उसके बाद सीधा पहुँचा देंगे इस वृंदावन। तो कुछ ऐसा प्लान है अभी, अभी तो मस्त चल रहेगा इस मेंटेन करके 60-70 अच्छी स्पीड में जा रहे हैं, और काफ़ी अच्छा टाइम से भाई पहुँच जाएंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है, 1.5 घंटे का रास्ता और बच गया है।
ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए हम ना आए आए हम ना आए। उथरवा दिखा रहा है भाई सिर्फ 59 किलोमीटर और आगरा 114 किलोमीटर और टाइम की बात करें गाइस अभी हो गया 7:30 और भाई हमने अभी तक गाइस गाड़ी चला ली है नॉन स्टॉप 70 किलोमीटर गाइस गाड़ी खींच ली हमने ये चेक करो 71 किलोमीटर हो चुका है तो भाई जल्दी से एक अगला ब्रेक लेंगे जिसके अंदर भाई गाड़ी भी रिलैक्स हो जाएगा और हमने भी जो खाना पीना ब्रेकफास्ट मॉर्निंग का हो जाएगा ब्रेक ले लिया छोटा सा जो कि है गुलशन ढाबा रोकते हैं क्योंकि भाई हमने नॉन स्टॉप गाइस यहाँ पे भाई 76 किलोमीटर गाड़ी खींच ली भाई टोल प्लाजा से जो कि बदरपुर वाला है इतना काफी गाइस गाड़ी को भी रेस्ट देना चाहिए। चेक करो 3 इंडिकेटर पूरे हो चुके हैं और 76 किलोमीटर भाई ट्रिप ए में हमने अब चलाया है जहाँ से राइडिंग हमने स्टार्ट की थी तो गाड़ी यहाँ पे रोकते हैं भाई गाड़ी भी ठंडी हो जाएगी सभी की गाड़ी यहाँ पे रेस्ट मांग रही कहीं ना कहीं 70 किलोमीटर तो इनफ है चलाने को और चला सकते हैं भाई कहीं ना कहीं बट रेस्ट देना चाहिए हम भी थोड़ा सा चाय वाय पीते हैं एंड गाड़ी भी आराम कर लेगी फिर यहाँ से निकलेंगे। चाय आ चुकी है पीते हैं एंड यहाँ से निकलते हैं भाई। अच्छा भाई यहाँ से निकलते हैं भाई सीधा वृंदावन के लिए हमने चाय वाय भी पी लिया एंड चाय काफ़ी बढ़िया था भाई 20 रुपये में आपको दिखाता हूँ अपनी गाड़ी थी भाई गाड़ी भी सभी की ठंडी हो चुकी है बिताल के भाई हीटिंग का 3 लेवल जा रहा था रोस्ट भी गाड़ी टच करके देख रहा हूँ काफ़ी भाई कूल हो चुका है तो ये बढ़िया हमने रिलैक्स कर लिया चाय पी लिया और गाड़ी भी यहाँ पे भाई चलने के लिए बिल्कुल रेडी है। चेक करो अभी 3 थे ना इसके अंदर हीटिंग के इंडिकेटर यहाँ देखो 0 हो चुका है तो भाई अब बढ़िया चलने के लिए फिर से आप सीधा गाइस एक ही बार भाई 50 किलोमीटर खींच देंगे जितना भी बच रहा है सीधा वृंदावन लगाना एक ही बार यहाँ से हम निकलते हैं। चलो हम रुके पड़े थे भाई गुलशन ढाबा पे काफ़ी ठीक था भाई चाय का जो टेस्ट है ना गाइस 20 रुपये में ओहो 50-56 किलोमीटर और बचा हुआ है तो सिंगल स्ट्रेच में 1 घंटे के अंदर या 1 घंटे के आसपास लगा ही देंगे। अभी टाइम हो गया 8:25 तो अनुमान है कि 9:30 तक पहुंच जाएंगे। मैंने भाई अपना गोप्रो भी चार्ज कर लिया है 81% हो गया गाइस कहाँ 60 था इतने देर में भाई 20% बढ़ गया तो अब टेंशन फ्री है भाई अब रिकॉर्डिंग और देर तक कर सकते हो आप लोगों को व्लॉग और ज़्यादा देखने को मिलेगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया विच टोल टोल नेम क्या है गाइस आई डोंट नो देखते कहीं पर लिखा होगा तो ये अपना 3रा या 4था टोल अभी तक का हमने रोड पे गाइस ट्रक ही ट्रक है भाई ओए काला काला धुआं फेंक रहा है यही होता है जैसे जहाँ पे टोल स्टार्ट होगा खत्म होगा भाई गाड़ी गाड़ी दिखेंगे ट्रक बट धुआं धुआं बहुत गंदा फेंक रहा है ओह माय गॉड कार्बन डाइऑक्साइड गाइस दबा के फेंक रहा भाई भाई ट्रक बिल्कुल सट सट के चलते भाई रोड छोड़ते ही नहीं है लोग तो एक यहाँ चल रहा है एक यहाँ चल रहा है इतना सा जगह है यहाँ से भाई सारे गाड़ी वाले निकल ले बट ट्रक वाले भाई चुपका के चले बातें वाते गप्पे मारते चलते भाई अलग ही रोल ले गाइस ट्रक वाले के तो अलग ही रोल ले भाई टोल से निकलने के बाद गाइस अब इतना बढ़िया रोड है ना देखो 1, 2, 3 लेन हाईवे है और हाईवे काफ़ी चमकदार है बिल्कुल और हाईवे गाइस काफ़ी खूबसूरत है भाई साफ सुथरा बिल्कुल भी गड्ढे नहीं है तो अभी 80 की स्पीड मेंटेन कर रहे हैं भाई भाई रोड क्रॉस कर रहे हैं गाइस आराम से तो मथुरा बच गया भाई सिर्फ 50 किलोमीटर गाइस वो सामने चेक करो भाई मथुरा 50 किलोमीटर आगरा 104 किलोमीटर तो हमें जाना भाई मथुरा तक ही साथ मथुरा भी थोड़ा आगे हो जाएगा हमें तो वृंदावन तक ही जाना है तो वृंदावन आई डोंट नो कितना है बट मथुरा का डिस्टेंस ऐसा पता चल रहा है कि 50 किलोमीटर और रह चुका मथुरा तो भाई 1 घंटा से कम लगेगा अगर इसी स्पीड से चले तो ये बीच बीच में गाइस क्रॉसिंग आता ना ऐसे भाई क्रॉसिंग में खतरनाक होता एकदम से भाई गाड़ी आती है गाइस मथुरा रोड भाई लेफ्ट साइड में अपने को रेलवे ट्रैक भी देखने को मिल रहा है तो ये कुछ इंटरेस्टिंग था भाई हाईवे के सामने भाई रेलवे ट्रैक जा रहा है देखो ये भी भाई 3-4 लेन वाला रेलवे ट्रैक है मजा आ रहा है भाई साहब अच्छा रोड निकला यार जितना सोचा था उससे बहुत ही ज्यादा अच्छा है काफ़ी चीज़ें देखने को मिली खेत तो है भाई रेलवे ट्रैक भी आज देखने को मिल गया अपना ये पहला राइड होगा कि रोड के साथ साथ अपने को रेलवे ट्रैक देखने को मिला और काफ़ी देर तक हम चल ले इससे पहले मुझे नहीं लगता कि दिखा है मेरे को दिखा होगा बट ऐसा साथ नहीं चले याद नहीं आ रहा मुझे भाई कार वाले गाइस अल्टीमेट तो काफ़ी स्लो कर लिया था इसलिए मैंने क्योंकि भाई राइट साइड मिरर में दिख रहा था कि कार वाला ओवरटेक करने वाला इसलिए हमने थोड़ा सा स्लो कर दिया बिल्कुल टेम्पो के पीछे ही रखा करना पड़ता है ब्रो ऐसी ऐसी सिचुएशन तो आती रहती है बट रेलवे ट्रैक गाइस खूबसूरत खूबसूरत बहुत खूबसूरत और हैशटैग भाई अपने भगा रहे गाइस फुल रॉन्ग साइड क्यों आते हैं यार बंदे मेन हाईवे पे रॉन्ग साइड आ रहे 3 लेन हाईवे है गाइस अपना जब भी मैं रॉन्ग साइड आ रहा हूँ उस साइड तो रास्ता भी नहीं है भाई ट्रेन भी आ गई ओह माय गॉड फर्स्ट टाइम हो रहा गाइस ऐसा कि राइड कर रहे हो और साथ से ट्रेन जा रहा बल्ले बल्ले भाई अलग एक्सपीरियंस है गाइस अलग एक्सपीरियंस है नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस है भाई लोग कभी कभी गाइस हम ट्रेन में होते देखते भाई रोड पे गाड़ी चलती है आज हम रोड पे है तो भाई ट्रेन चलते हो सामने दिख रहा है
खूबसूरत गाइस खूबसूरत, बट अपने को जाना है बिल्कुल सीधा, नॉट राइट नॉट लेफ्ट, गो स्ट्रेट मैन। ओ माय गॉड भाई, बुलेट वाले बंदे फुल जोश में गाइस, खींचेगा थोड़ा रेस मोड में, रुक जाओ, लेट्स मूव। अपने बाकी के राइडर भी आ गए, मथुरा और रह चुका भाई 44 किलोमीटर गाइस, 44 किलोमीटर काफी क्लोज है भाई। भाई साहब ये सही है, भाई रोकते वरना ओवरटेक कर जाएगा बुलेट वालों को। बाकी के राइडर पीछे आ रहे हैं भाई, हमने 99 किलोमीटर चला लिया है, चेक करो। और भाई अभी 25 किलोमीटर और बच चुका है वृंदावन, तो आप मान के चलो भाई आधे घंटे के अंदर फाइनली गाइस हम पहुंच जाएंगे वृंदावन। और टाइम अपडेट की बात करें तो गाइस 9:02, तो 9:30 तक भाई फाइनली गाइस हम होंगे भाई वृंदावन, जो कि निकले थे गाइस हम 6 बजे, 6, 7, 8, 9, वही मान लो 3.5 घंटा आराम से लग जाएगा वन पहुंचने से पहले। गाइस एक फ्यूल पंप पे रुकेंगे, अभी मोहित भाई का पेट्रोल खत्म हो रहा था, फिलअप करवा के फिर भाई 25 किलोमीटर तो गाइस स्टॉप ही देना है एक ही बार में सीधा वृंदावन के लिए। अभी अच्छे खासा स्पीड में चल रहे हैं, 99.9 किलोमीटर गाइस 100 किलोमीटर होने वाला, जस्ट ये चेक करो भाई, बदरपुर टोल प्लाजा 100 किलोमीटर भाई हमने कंप्लीट कर लिया, 100 किलोमीटर गाइस चला ली गाड़ी भाई, 100 किलोमीटर आज तो, एंड अप एंड डाउन करके तो भाई 300 किलोमीटर आराम से निकल जाएगा। पेट्रोल पंप देखना बस भाई, पेट्रोल पंप मिल जाए। वैसे तो मथुरा रोड पर बहुत सारे पेट्रोल पंप है, बट अभी अपने को ढूंढना है पेट्रोल पंप। बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि भाई माइलेज नहीं मिलता, माइलेज नहीं मिलता, तो भाई आप लोगों ने देखा होगा मैंने बदरपुर टोल प्लाजा में फुल टैंक करवाया था, सारे इंडिकेटर थे भाई, अभी सिर्फ 2 इंडिकेटर कम हुआ और गाड़ी चेक करो भाई 100 किलोमीटर चल चुका गाइस, 103 किलोमीटर भाई गाड़ी चल चुका और सिर्फ 2 ही कम हुआ। इसे हिसाब लगा लो कि माइलेज कितना दे रहे हैं भाई, जहाँ तक मुझे पता है बेताल भाई अच्छा माइलेज देता है हाईवे में 50 किलोमीटर गाइस आराम से। तो भाई जो बोलता है ना कि माइलेज नहीं देता, कितनी बार बोल चुका हूँ कि माइलेज देता, अच्छा देता है मेरा वाला, तो भाई और यहाँ पे देखो भाई 2 कम हुए और 100 किलोमीटर गाइस हमने चला दिया इसको नॉन स्टॉप। पेट्रोल पंप भी आ गया, हमने पेट्रोल भी डलवा लिया, सिर्फ मोहित भाई ने डलवाया और सैन भाई ने डलवाया। यहाँ से निकलते भाई अब 25 किलोमीटर या उससे कम ही बचा पड़ा है, तो 15-20 मिनट मेरे को लगना चाहिए। 9:30 तक टारगेट है कि पहुँचा दे, 9:30 तक पहुँचाएं तो भाई बहुत ही बढ़िया, नहीं पहुँचे तो देखते गाइस 5-10 मिनट लेट सही, बट अब पहुँचने वाले, ज़्यादा दूर नहीं है, दिल्ली दूर नहीं है गाइस। बस ये लो मेन हाईवे पे आ गए, अब एक बार खींचेंगे ना भाई पहुँच जाएंगे सीधा वृंदावन, लेट्स मूव गाइस। आगरा अभी भी यहाँ से भाई 76 किलोमीटर है भाई आगरा, चाहे तो आगरा भी लगा दे हम तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आगरा भी कुछ काम नहीं है इसलिए आज वृंदावन तक रखते हैं। आगरा तो मैंने वैसे भी ट्रिप कर रखा है भाइयों लोग ने नहीं किया, लेकिन अभी सिर्फ वृंदावन का है, धीरे धीरे वैसे ही बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करना है, अभी तो स्टार्टिंग है। इसमें धूप निकला था बट अभी एक बार फिर से गाइस मौसम काफ़ी सुहावना हो चुका है, चेक करो भाई वेदर, धूप गाइस गायब हो चुका है, क्लाउडी वेदर हो रहा है, काफ़ी मस्त हवा चल रही ठंडी, और टाइम हो रहा सिर्फ 9:20, माई गॉड हमें लग रहा कब से गाड़ी चला रहे, लेकिन भाई अभी 10 भी नहीं बजे यार। और सारे राइडर देखो भाई निकल रहे हैं यहाँ से, वृंदावन का डिस्टेंस ओनली भाई 4 किलोमीटर बच चुका, सारे राइडर को भाई यहाँ पे इकट्ठा कर लिया एंड साथ साथ चलेंगे, क्योंकि 4 किलोमीटर भाई बहुत ही कम होता है एंड हम नहीं चाहते कि भाई कोई आगे पीछे हो, तो स्लो स्लो चलेंगे पहुँचने वाले हैं। चलो तो चलो भाई चलते हैं, सिर्फ गाइस 4 किलोमीटर और जैसा कि हमने बोला था भाई 9:30 तक गाइस 9:30 होने वाले हैं, तो भाई एक्यूरेट गाइस टाइम से पहले भाई हम पहुँचने वाले हैं। यहाँ से अपने को लेफ्ट होना है वृंदावन के लिए, जो कि सामने बोर्ड है, देखते हैं अब कितने देर में और पहुंच जाते हैं। 4 किलोमीटर है तो 10-15 मिनट तो गाइस लग ही जाएगा, बट अभी स्लो स्लो चलेंगे क्योंकि पहुंचने वाले ना तो सभी राइडर को साथ लेके चलना पड़ेगा, तो उतना भगाएंगे नहीं अब, 70-70 अब नहीं चलेंगे, अब चलेंगे भाई 40-50 क्योंकि पास ही में ही है भाई। पहुँचते सीधा टेम्पल, देखते कौन से टेम्पल में जाएंगे, भाई लोगों को पता कहाँ जाना है, और फिर आपको दिखाता हूँ भाई वृंदावन के दृश्य। क्या हो गया और राइट साइड में गाइस चेक करो भाई, वृंदावन आते यहाँ पे भाई कृष्ण जी की इतनी सारी पेंटिंग देखने को मिल गई है, ओ माय गॉड खूबसूरत खूबसूरत गाइस, वृंदावन में आप लोगों का स्वागत है भाई लोग, वेलकम टू वृंदावन गाइस, फर्स्ट टाइम आपका भाई विजिट कर रहा है बेताल के साथ वृंदावन, मेरो वृंदावन राधे राधे गाइस, राधे राधे।